Hey guys, I am back with my new video. और guys, आज का जो मेरा वीडियो है वो है पिगमेंटेशन से रिलेटेड. सो guys, जैसे पता है बहुत सारे लोगों को इस पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और ये जो पिगमेंटेशन होता है ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है. ये पिगमेंटेशन जो होता है आपके सबसे पहले तो एजिंग की वजह से होता है, उसके बाद आपके हार्मोनल की वजह से होता है, उसके बाद जो ये है आपके ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से भी हो जाता है, और ये पिगमेंटेशन अगर आपकी स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी हो जाता है. तो इन पिगमेंटेशन में जनरली आप देखोगे कि आपके यहाँ पे ज्यादातर डार्क स्पॉट हो जाते हैं. इस एरिया में मोस्टली आपके डार्क स्पॉट हो जाते हैं. इस पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आज मैं होममेड पिगमेंटेशन क्रीम का वीडियो लेकर आई हूँ. ओके, तो गाइस चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइस, पिगमेंटेशन क्रीम बनाने के लिए आपको आधा कप पानी लेना है और इसको एक पैन में डालेंगे और हम गैस ऑन कर देंगे. ठीक है, फिर इसमें हम 1 टीस्पून मेथी पाउडर डालेंगे एंड 1/4 स्पून आप टर्मरिक पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून आप इसमें कसूरी मेथी डालेंगे. ठीक है, फिर इसको अच्छे से आप मिक्स कर देंगे. गाइस, ये आपको तब तक उबालना है कि जो इसका पानी है वो 1/4 क्वांटिटी में बचेगा. ओके, तो गाइज ये हमारा 1/4 पानी रह गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे. ओके, अब हमको क्या करना है, हमको इसको स्ट्रेन करना है. ठीक है, तो गाइज हम इसको छान देंगे. ठीक है, तो गाइज ये देखिए ये हमने छान दिया है और आप इसका टेक्सचर देखिए, थोड़ा सा जैसे हम बॉडी लोशन लगाते हैं तो उस टाइप का इसका टेक्सचर है. ठीक है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे. ओके गाइज, अब ये पूरा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल. अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर देंगे. उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आप इसको खाली कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, इसको आप फिर फ्रिज में रखेंगे, उसको आपको 15 से 20 दिन के अंदर यूज करना है, उसके आप नया बनाएंगे. ठीक है, तो गाइस आगे आप मेरा वीडियो देखते रहिए कि इसको आपको यूज कैसे करना है. ओके, तो गाइज ये थी मेरी आज की पिगमेंटेशन क्रीम. इस क्रीम को आपको रोज रात में रेगुलरली लगाना है तभी आपको इसके इफेक्ट मिलेंगे. और गाइज अगर कंटिन्यूसली आप इसको 15 से 20 दिन तक रेगुलरली लगाएंगे, आई एम श्योर कि आपको इसके जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, बट गाइज लगाने से पहले प्लीज आप पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद ही आप फेस पे अप्लाई करें. ओके, तो गाइज प्लीज इसको आप बनाएं, इसको लगाएं और मुझे इसका फीडबैक भी दें. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी के वीडियोस को भी देखना ना भूलें. और गाइज प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरे जो आने वाले नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. तो गाइज फिर मैं एक और नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.